अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज हमारा दिन भी इम्पोर्टेंट है जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, 14 अगस्त है। पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल स्टूडेंट। और आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आज इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लेक्चर बच्चों बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपने एंड तक वीडियो देखनी है। देखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बच्चों क्या होता है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी लेवल्स क्या है। तो पहले इसके 3 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन केमिकल्स। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे बेस करती है? केमिकल्स पे बेस करती है। एंड सेकेंड पॉइंट हमने लिखी है, ऑल लिविंग मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग्स हैं वो हमारे पास सेल के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हम प्रीवियस क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद प्रोटोप्लाज्म। बच्चों प्रोटोप्लाज्म क्या है? केमिकल एज वेल फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म ऐसे कह सकते हैं कि ये क्या है, केमिकल और फिजिकल बेस ऑफ लाइफ है। उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे, 8 लेवल्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो पहली स्मॉलेस्ट लेवल है वो क्या है? एटॉमिक लेवल। तो बच्चों एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो यहां पे देखें, हमने लिखा हुआ है मैटर एलिमेंट एंड एटम्स। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? एलिमेंट्स बनाते हैं। एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो सबसे मैटर ज्यादा क्वांटिटी में होता है। अगर उनका कुछ सैंपल ले लें तो उसे एलिमेंट कहेंगे, अगर एक उससे पार्टिकल ले लें तो जिसे क्या कहा जाएगा? एटम कहा जाएगा। तो बच्चों एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट के जो अबाउट 118 हमारे प्रेडिक्टेबल भी मेंशन है, जिससे 92 नेचुरल हैं, बाकी क्या है? आर्टिफिशियल हैं। तो मोर देन 100 टाइप्स ऑफ एलिमेंट हमें मिलते हैं, उनमें से 16 को हम क्या कहते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और उनमें से भी 6 क्या होते हैं? बेसिक फॉर लाइफ होते हैं, जो मोस्टली क्या बनाते हैं? बायो मोलिक्यूल्स बनाते हैं। ऐसे मोलिक्यूल्स जो लाइफ को फॉर्म करते हैं उनको बनाते हैं। वो बच्चों कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये 6 मॉलिक्यूल क्या हैं? बेसिक मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर लेवल में देखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों। एक जैसे एटम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल में देखें तो हम क्या पढ़ते हैं? बायो मॉलिक्यूल। इनका दूसरा नाम क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ में प्रेजेंट, लिविंग्स में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बायो मॉलिक्यूल। या ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे लाइफ ऑर्गेनाइज्ड होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स को हम कैटेगराइज करें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल में कौन से आ जाते हैं हमारे पास? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अच्छा बच्चों, ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसे कंडेंसेशन कहा जाता है, जिस प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन के थ्रू ये मिलके क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल क्या है? बेसिक मॉलिक्यूल फॉर लाइफ है। अगर सेल की स्ट्रक्चर को हम देखें तो उनकी बेसिक इन चीजों की बनी हुई है, प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेलुलर लेवल पे आएंगे। अब मॉलिक्यूल से जो बड़ी लेवल है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल है। तो बच्चों यहां पे क्या है, पहले प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। सेल को तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन जो सेल का लिविंग पोर्शन होता है जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, बायो मॉलिक्यूल्स वर्क टुगेदर इन फॉर्म सस्पेंशन। बायो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक सस्पेंशन की तरह काम करें तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, और लिविंग पोर्शन ऑफ सेल भी आप कह सकते हैं। सेकंड, प्रोटोप्लाज्म वर्क इन अ फॉर्म ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सेल। अगर ये प्रोटोप्लाज्म एक यूनिट बना के काम करे तो उसे क्या कहेंगे? सेल कहेंगे। सेल की दूसरी डेफिनेशन बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। या प्रोटोप्लाज्म क्या करे? एक यूनिट बना के काम करे तो उसे क्या कहा जाएगा? सेल कहा जाएगा। अच्छा, सेल में अगर हम देखें तो क्या लेवल आती है सेलुलर लेवल में? सेल आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।
तो ये सेलुलर लेवल थी, कहां से? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सेलुलर लेवल है। उसके बाद अब ऑर्गेनिज्म हमारे पास बन गया एक, आइदर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गया। उसके बाद जो दूसरी लेवल आती है, हायर लेवल, क्या है? टेक्सोनोमिक लेवल। तो टेक्सोनोमिक लेवल में बेसिक जो हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चों? स्पीशीज। तो स्पीशीज ऐसे भी कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी इज कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट है टेक्सोनोमी का। तो बच्चों स्पीशीज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इंटरब्रीड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। मॉर्फोलॉजी हमने पहले ही पढ़ी हुई है। मॉर्फोलॉजी बच्चों किसे कहते हैं? जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हों, वो आपस में ब्रीड करें, मेटिंग करें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। जैसे कि हम पिजन की एग्जांपल ले लें, पिजन के जो क्या होते हैं, मादा होती है, फीमेल और मेल आपस में मेटिंग करके क्या करते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। उस बच्चे में भी जब वो एडल्ट स्टेज में होगा तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे तो वो ये स्पीशीज कहलाएगी। होप आपको स्पीशीज समझ में आ गई होगी। उस स्पीशीज से बड़ी लेवल क्या है बच्चों? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? अगर ऑल मेंबर ऑफ स्पीशीज लिविंग स्पेसिफिक हैबिटेट, अगर एक मेंबर, एक स्पीशीज के बहुत सारे मेंबर एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे रहें तो उसे क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल देते हैं आपको, यहाँ पे ट्री बना हुआ है, यहाँ पे क्या है? 10 डव हैं, 10 कबूतर आके बैठे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। पॉपुलेशन के बाद जो हायर लेवल आती है वो क्या आती है? कम्युनिटी। व्हाट इज कम्युनिटी? मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन स्पेसिफिक हैबिटेट। डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर आके स्पेसिफिक हैबिटेट पे रहें तो उसे क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है। जैसे यहां पे 10 डव हैं, 10 क्या आ जाएं? क्रोज आ जाएं, तो ये देखें डिफरेंट स्पीशीज आ गई यहां पे, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। एक स्पेसिफिक हैबिटेट पे, एक हैबिटेट जहां पे रहते हैं उसे हैबिटेट कहा जाता है। तो बहुत सारे क्या हैं हमारे पास? दो, एक से ज्यादा क्या हैं? स्पीशीज हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। उसके बाद क्या है? इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम का क्या मतलब है? जो कम्युनिटी है हमारे पास, कम्युनिटी ऑलवेज डिपेंड ऑन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन। जो हमारी कम्युनिटी होती है वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिविंग्स हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। तो हमारा जो कम्युनिटी का इंटरेक्शन है नॉन लिविंग के साथ भी है, तो ये पूरा इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इकोलॉजिकल सिस्टम कहलाता है। उसके बाद जो 8th लास्ट हमारे पास है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बच्चों क्या होता है? द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये हायर लेवल है। अर्थ का वो पार्ट जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम हमने लिख दिया है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। तो सबसे जो हमारे पास हायर लेवल है वो क्या है? बायोस्फीयर है। और सबसे जो छोटी टेक्सोनोमिक लेवल है वो क्या है? स्पीशीज है। होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है, हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि जितनी न्यू अपडेट्स हों आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।